देश में बुधवार को देशव्यापी हड़ताल की जा रही है, जिसमें नागपुर डिविजनल LIC कर्मचारियों द्वारा कामकार विरोधी नीतियों के खिलाफ बीमा बैंक कर्मचारियों ने एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की है। विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों व सभी राजकीय पार्टियों के कामगारों द्वारा मोदी सरकार के कामकार विरोधी नीतियों के खिलाफ निषेध करते हुए देशव्यापी हड़ताल पर है, जिसमें प्रमुखता से पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कारपोरेशन बैंक व LIC के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को पूरा प्रतिसाद देकर इस देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए हैं। करीबन 12 मांग के जल्द से जल्द पूरी हो, अन्यथा तीव्र आंदोलन का भी इशारा LIC डिविजनल एम्प्लॉयज द्वारा किया गया है। 8 जनवरी आज देश में देशव्यापी हड़ताल जो है कर्मचारियों की हो रही है। अभी हम बैंक और LIC के जो कुछ कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या मांग है उनकी, किन मांगों को लेकर आज वो देशव्यापी हड़ताल पर गए हैं। मैं वेस्टर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पूरे महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में LIC ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साथ ही और उनके साथ बाकी जो यूनियंस है वो पूरा हड़ताल पे है। 100% हड़ताल सक्सेसफुल है। हमारी मांगे है जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने जो 12 मांगे रखी हुई है वो 12 मांगे तो है ही, उसके साथ हमारे LIC की जो मांगे है कि LIC का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए, LIC का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, LIC प्रीमियम पे जो GST लगी हुई है उसे वापस लिया जाना चाहिए, और उसी के साथ एम्प्लॉय की एक मांग है कि उनका वेज रिवीजन जो 2017 से ड्यू है उसे जल्द से जल्द सेटल किया जाना चाहिए। मांग पूरी न होने के बाद हम ये जो, क्योंकि जो इंडस्ट्री है हमारी, ये लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी देने वाली जो सरकार कि देना चाहिए वो LIC दे रही है, तो हम इस जो मुद्दे हैं हमारे GST प्राइवेटाइजेशन उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। अभी हमारे साथ थे ये जो नागपुर डिवीजन LIC एम्प्लॉयज थे और इन्होंने इनकी कई 12 मांगे हैं। इन मांगों को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल पर ये कर्मचारी है और मांगे पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी यहाँ दिया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़ नागपुर।